फतेहाबाद में धारा 144 लगाई गई है। धारा 144 लागू की गई है फतेहाबाद में। कावड़ यात्रा के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। कावड़ियों के डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। 27 जुलाई तक ये आदेश जारी रहेंगे। तो फतेहाबाद में धारा 144 लागू की गई है। कावड़ यात्रा को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है और कावड़ यात्रा में डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहने वाला है। अक्सर देखा जाता है कावड़िये जो तमाम है डीजे बजाते हुए ये कावड़ यात्रा को निकालते हैं और ऐसे में शोर ना हो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए ये नियम जो है वो लागू किया गया है। फिलहाल धारा 144 लगा दी गई है। कावड़ियों के डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहने की बात जो है वो सामने आ रही है। 27 जुलाई तक ये जो आदेश है इनका पालन करना होगा। तो 27 जुलाई तक आदेश लागू रहेंगे, डीजे नहीं बजाया जाएगा इस बार कावड़ यात्रा में। शांतिपूर्ण ढंग से कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। जिस तरह से ट्रकों पर डेक लगाकर डीजे बजाते हुए तमाम कावड़िये जो है वो यात्रा निकालते हैं उसकी परमिशन यहां पर फतेहाबाद में नहीं दी गई है, जिसके लिए धारा 144 भी लगा दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फतेहाबाद से मेरे सहयोगी अजय मेहता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कावड़ यात्री किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को? कहा जा रहा है कि डीजे नहीं बजा पाएंगे कावड़ यात्री, शांतिपूर्ण ढंग से कावड़ यात्रा निकालनी होगी। बिल्कुल, देखिए पिछले दो साल के बाद कोविड काल के बाद जो है कावड़ यात्रा एक बार फिर शुरू होने वाली है और ये यात्रा 26 तारीख तक चलेगी। शहर के अंदर और तमाम जिले के अंदर कानून व्यवस्थाओं को मकबूल बनाए रखने के लिए जिलाधीश की ओर से ये ऑर्डर पास किए गए हैं कि जो है धारा 144 लागू की जानी है। साथ में ये धारा 144 लागू करते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि इस यात्रा के दौरान कांवड़िए आमतौर पर से चीजें बजाते हैं या अपने हाथ में बैट या हॉकी तमाम चीजें लेके चलते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए डीजे बजाने को लेकर के पहले भी जो है इस तरह के आदेश जारी किए जाते रहे हैं। अभी हाल ही में ये डीजे ना बजाने के जो आदेश जारी किए गए हैं इसको अभी हाल ही जो है पब्लिकलाइज किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगा क्या होगी कि जो कावड़िये हैं इस अन्य आदेशों को किस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि पहले भी इस प्रकार के आदेश जारी किए जाते रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है कावड़िये इसको बड़ी सहजता से नहीं लेते हैं। तो अब ये देखने वाली होगी बात होगी कि इन आदेशों की पालना करवा पाना क्या प्रशासन के लिए कितना जो है दुष्कर साबित हो सकता है या कितना सहज साबित हो सकता है। बिल्कुल, कितनी बड़ी चुनौती रहती है ये तो देखना होगा। लेकिन अजय साथ ही ये भी बताइए क्योंकि ये जो तमाम कावड़िये होते हैं गाना बजाते हुए ये जब यात्रा निकालते हैं कहीं ना कहीं उसी मस्ती में झूमते हुए नजर भी आते हैं, और ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि ज्यादा खुश यहाँ पर जो कावड़िये हैं वो इस आदेश से होते नजर नहीं आएंगे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कावड़ियों के लिए एक जो प्रतिबंध लगाया गया है ये कहीं ना कहीं उनको निराश करने वाला जरूर होगा, क्योंकि पिछले दो तीन सालों के अंदर जो है कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध रहा था। कोरोना काल चलने के कारण जो है कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी। इस बार कांवड़ियों के अंदर एक उत्साह था कि वो इस बार कांवड़ यात्रा करने के लिए जाएंगे और अपनी खुशी का इजहार भी करेंगे और अपने धार्मिक आस्थाओं का जो है वो निर्वहन भी करेंगे। लेकिन इस बार जिस प्रकार से सरकारी और प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं कहीं ना कहीं उनके कारण उनके जो है निराशा अभी देखने को मिलेगी। जी चलिए, शुक्रिया अजय खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए।